नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में हर रोज की तरह हम आपको देने वाले हैं ट्रेडिंग के 20 दमदार आइडियाज। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि क्यूज कैसे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो दमदार तेजी वहां पे देखने मिल रही है, करीब करीब 180 पॉइंट के आसपास की तेजी और 18,000 का लेवल। यहाँ पे नजर रखिएगा, इसको सिंगापुर निफ्टी पार करता हुआ साफ नजर आ रहा है 1% के आसपास के गेन से। और हो भी क्यों ना, यूएस के मार्केट्स में जिस तरह की तेजी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली थी, 2-2.5% के आसपास के गेंस थे, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है आज आपको सिंगापुर निफ्टी और अक्रॉस एशियन मार्केट्स देखने मिल रहा है। तो यूएस के मार्केट्स में हुआ क्या है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे करीब 830 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो डाउ में देखने मिली। बॉन्ड यील्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं 4% के आसपास थी, 11 में से 10 सेक्टर जो थे उसमें उछाल देखने मिला। नतीजों का इंपैक्ट, काफ़ी सारे डेटा का इंपैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं देखने मिला। और याद रखिएगा, आईटी काउंटर्स में पिछले हफ्ते आपने देखा था कि जम के धुलाई हुई थी, लेकिन उसके बाद एक रिबाउंड जो है वो यूएस के मार्केट में फ्राइडे को देखने मिला था। तो उसी का इंपैक्ट जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखा गया। हालांकि ये हफ्ता जो है उसके लिए ट्रिगर्स काफ़ी सारे हैं। अब देखिए आशीष, फेड की पॉलिसी आने वाली है जी, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। हालांकि सबके लोग मान के चल रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक होने ही वाला है, इसके लिए शायद उतनी नर्वसनेस नहीं है। हमारे अगर आप देखेंगे तो आरबीआई के एमपीसी की बैठक है, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा ओपेक की भी बैठक है, तो कच्चे तेल पे भी नजर होगी। वहीं नतीजे भी काफी सारे आने वाले हैं, तो वहां पे भी नजर होगी। तो काफी सारी चीजें हैं जिस पे आपकी नजर होगी। तो टू मच ऑफ नॉइज इन द मार्केट, लेकिन हाँ, उसके बीच में आपको कहीं ना कहीं ट्रेड करना है। इसके लिए ट्रेडिंग के मौके भी काफी सारे बनते हैं, लेकिन किसी भी तरफ स्विंग ले सकता है मार्केट, इतना पक्का है। इसके लिए इस पूरे हफ्ते जो है आपको अपने टारगेट स्टॉप लॉस पे हम तो वैसे ही कहते हैं आप नजर रखेगा, लेकिन इस बार खास नजर रखनी है क्योंकि काफी सारे इवेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं मार्केट्स पे प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि आज के लिए अगर आप देखेंगे तो इनिशियल संकेत आशीष मेरे ख्याल से कोई खराब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे टीम में चार सेल आइडियाज ये बड़ा धमाका किया आपने। सब कुछ अच्छा अच्छा बताने के बाद चार स्टॉक आपने बिकवाली वाले ले लिए। मैंने क्या कहा, काफी नॉइज है, खबरें काफी सारी है और कुछ ऐसी खबरें निकल के आई है जो कि शायद अच्छी नहीं है, उसके चलते मैंने यहाँ पे वो सेल आइडियाज चूज किए हैं। अदरवाइज मार्केट को देख के मूड तो ऐसा नहीं है कि सेल कीजिएगा, बट क्या करें, खबरें खबरें तो शॉर्ट तो लेने ही पड़ेंगे। 18,000 के पार निकलने के बाद देखिए बाजार में एक बहुत बड़ी बेरिशनेस जो थी वो नेगेटिव हुई है काफी हद तक। अगर 18,000 के ऊपर आज क्लोजिंग देते हैं तो फर्दर सेंटिमेंट जो है इम्प्रूव होगा। मेरी लिस्ट में सभी के सब खरीदारी वाले स्टॉक है और सब ज्यादातर अगर आप देखो तो रिजल्ट या खबरों के बेसिस पर है। टेक्निकल एक दो चुने मैंने अपनी लिस्ट में, शुरुआत कर लेते वरुण। सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए कैश में एक्चुअली आज मैं एक सेक्टर चूज करने वाला था, लेकिन स्टॉक ही कर सकते हैं, मजबूरी है, और वो है पेपर सेक्टर। सेंचुरी के जब नंबर्स आए थे उसमें पेपर डिवीजन में आपने देखा था कि किस तरह की बढ़िया ग्रोथ देखने मिली थी। ओवर द वीकेंड पुदुमजी पेपर के नंबर्स आए हैं और वो भी काफ़ी बेहतरीन है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 60-80-90% के आसपास की ग्रोथ जो है देखने मिली है। मार्जिन में अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है, उसके चलते पूरा पेपर स्पेस जो है आज फिर से हरकत में रहने वाला है और मार्केट का मूड तो वैसे ही अच्छा है। आंध्र पेपर पर नजर रखिएगा, क्यों, क्योंकि 2 दिन बाद इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट इसको प्रीएम करने की कोशिश करेगा, इस कंपनी के नतीजे जो है वो भी काफ़ी बेहतर आ सकते हैं। उसके पहले आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है और आज मार्केट का मूड माहौल अच्छा है तो ये पूरी स्पेस जो है उसमें हरकत देखने मिलेगी। 500 रुपये के लक्ष्य के लिए आज आप इंट्राडे में खरीदारी कीजिएगा, 470 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन ये ट्रेड केवल आज का नहीं है, जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक आपको इस कंपनी में ट्रेड करने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। 2 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। पुदुम जी में भी देखिए, नतीजों के पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 3-4% के आसपास के गेंस उसमें देखने मिले। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है पेपर कंपनियों के नतीजों को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे आपको तेजी देखने मिल सकती है। इसके लिए आंध्र पेपर में आप कर सकते हैं खरीदारी। आशीष, आपका कैश का देखिए स्टॉक मैंने चुना है नतीजों के आधार पर, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, जहां पर आपको करनी खरीदारी। टेक्निकल्स अच्छे हैं, ठीक ठाक है, कंफर्ट आ रहा है खरीदारी करने का, लेकिन जब नतीजे मैंने देखे तब यहाँ पर काफी बड़ा आपको टर्न अराउंड नजर आएगा। आप मुनाफे का आंकड़ा देखें, कंपनी की आय देखें, कामकाजी मुनाफा देखें, मार्जिन सबके लिहाज से देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। साल दर साल अगर आप देखें तो इनका जो मुनाफा है 9 करोड़ से सीधे बढ़कर 36 करोड़ हो गया। तो आज स्वाभाविक है कि तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 103 की क्लोजिंग है, 108 रुपये का लक्ष्य, 102 रुपये का आप लगा लीजिए। स्टॉप लॉस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, जैसे कि मैं शो की शुरुआत में बता रहा था कि ढेर सारे स्टॉक मेरे पास आज ऐसे हैं जहां पर आपको नतीजों के दम पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर रेड्डीज ये अगला स्टॉक है, फ्यूचर्स में यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे क्योंकि देखिए मार्जिन सबसे ज़्यादा वॉच्ड होते हैं। कोई भी रिजल्ट में अगर आप देखें तो मार्जिन अगर एक्सपेक्टेशंस को बीट कर देते हैं तो स्टॉक में तेजी आती है।
और यहाँ पर अगर आप देखें तो 22% मार्जिन का अनुमान था और उसके विपरीत 30% के शानदार मार्जिन जो है डॉक्टर रेड्डीज ने रिपोर्ट किए। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 4530 रुपए का लक्ष्य, 4410 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से फ्यूचर्स में बिकवाली का कॉल है और बिकवाली का कॉल है बंधन बैंक में। आपने देखा कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में नतीजे आए थे, ऑलमोस्ट मार्केट बंद होने के आसपास आए, तो उसके बाद स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई, करीब 2.5% के आसपास, 2.5-3% के आसपास स्टॉक में गिरावट हुई। और हो भी क्यों ना, अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर बैंकिंग स्पेस जो है मार्जिन सुधरे हैं, इसके मार्जिन में दबाव है। नतीजे उतने खास थे तो नहीं कि आप रिजॉइस करें, लेकिन आज भी एक आपको सेल ऑफ देखने मिल सकता है, एक फॉलो अप सेल ऑफ जो है इस काउंटर में देखने मिल सकता है। इसके लिए 258 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करना है, 270 का स्टॉप लॉस रखना है। अब सेल ऑफ क्यों देखने मिलेगा, क्योंकि दो दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस ने इस कंपनी में अपने प्राइस टारगेट काटे हैं। CLSA यहाँ पे प्राइस टारगेट जो है 325 से काट के अब इन्होंने 300 रुपए का कर दिया है, और जेफरीज ने भी प्राइस टारगेट जो है 400 रुपए से काट के 340 रुपए का कर दिया है। यानी कि ब्रोकरेज हाउसेस को इस कंपनी के नतीजे जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज शायद आपको एक फॉलो अप प्रेशर जो है इस बैंक में देखने मिल सकता है। इसके लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं बंधन बैंक में। 258 के लक्ष्य के लिए 270 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं RBL बैंक की जो हुआ था कि लगातार दो दिन गिरावट के बाद जिस तरह से RBL बैंक भागा था, वो कहीं ना कहीं अभी भी मेरे जहन में। इसके लिए कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेज ने जिस तरह से डाउनग्रेड किया, जो कमेंट्री ब्रोकरेज हाउसेज की आई है, मुझे लगता है कि आज बंधन बैंक में बिकवाली पक्की होनी है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में भी एक बिकवाली का कॉल है और वो है NTPC में। NTPC में आपको पुट ऑप्शन खरीदना है 172.5 का, 5 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 3.5 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए इस काउंटर में लगातार तेजी देखने मिलती है, और वो इसके लिए देखने मिलती है क्योंकि लोग मान के चल रहे थे कि इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर आएंगे, लेकिन नतीजे जो है इस कंपनी के काफ़ी हद तक कमज़ोर है। आप देखिए रेवेन्यूज तो अबाव एस्टिमेट है, एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो कहाँ 26% के आसपास का अनुमान लोग लेके चल रहे थे, 23% के आसपास इस कंपनी के एबिटा मार्जिन आए हैं। और हमने लगातार देखा है सरकारी कंपनियों से जब उम्मीद होती है और अगर ये उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो इन कंपनियों की तगड़ी धुलाई होती है, और आज वही इस काउंटर के साथ होने वाला है। मुनाफे का अनुमान था 3609 करोड़ का, 3331 करोड़ पे आया, यानी कि मुनाफा और मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी का काफ़ी प्रेशर में आया है। और जिस तरह से लगातार तेज़ी देखने मिली है, आज अगर नतीजे अच्छे भी आते ना तो शायद मुनाफा वसूली हो जाती, और वैसे भी नतीजे कमज़ोर आए हैं। इसके लिए पुट ऑप्शन आपको लेके चलना है, 5 रुपये के लक्ष्य के लिए 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस सकते हैं। तो आशीष मेरे तो 4 में से 2 सेल आइडियाज तो मैंने बता दिए, 2 और बताऊंगा, फिर आप बताइए ऑप्शंस का आपका कॉल। ऑप्शंस में बताता हूं, खरीदारी कर रहा हूं हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक के ऊपर खास नजर रखिएगा। देखिए वैसे तो सबको पता था कि यहां पर अगर आप देखें तो जो त्योहारी सेल्स है काफी अच्छी हुई है इस बार, लेकिन आधिकारिक तौर पर जब कंपनी कह रही है कि 20% की ग्रोथ है तो जरूर यहां पर आपको एक सर्ज देखने को मिल सकता है। देखिए 2 स्टॉक थे मेरे रडार पर, एक TVS मोटर भी अच्छा लग रहा है, यहां पर भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा पुलबैक यहां पर देखने को मिला, तो हीरो मोटोकॉर्प यहां पर भी देखें तो स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, वीकली बढ़िया लग रहा है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑप्शंस के माध्यम से यहां पर रणनीति बनाएंगे, क्योंकि पता नहीं कि इस खबर का कितना रिएक्शन आएगा। सबको पहले से पता था कि किस प्रकार के सेल्स होने वाली हैं, तो एस्टिमेट्स ऑलरेडी लग चुके थे, तो अब क्या करेंगे। 2650 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब करीब जो इसके शुक्रवार की क्लोजिंग है 82 रुपीज के आसपास की है, और मैं मान रहा हूं कि 2 दिन की टाइम वैल्यू घटकर अगर आज ये फ्लैट खुला तो आपको थोड़ा सा और सस्ता मिलेगा। 96 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेटअप काफी बढ़िया, ऐसा नहीं चाहते कि ऑफ आइज होते ही हमारा जो स्टॉक है इसके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाए, तो इसके लिए 60 रुपए के थोड़ा सा दूर का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, और 96 रुपए तक के लक्ष्य यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड में समझ रहा हूं कि अगर आप एरिथमेटिक देखेंगे तो आपको नजर आएगा कितना फेवरेबल नहीं है, लेकिन हर ट्रेड आप उस तरीके से नहीं करके चल सकते, तो यहां पर 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 96 रुपए का लक्ष्य है, अच्छी तेजी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। 20% की जो बिक्री बढ़ी है इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, और साथ में AJX निफ्टी भी आप देखें 18,015 के स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए ऑप्शंस की कॉल्स हमने जान लिए, अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो पिक, वरुण बताइए। देखिए आशीष और एक बिकवाली का कॉल है और वो है लॉरस लैब। बेसिकली टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों इस कंपनी के वीक है, इसके लिए मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ आपको। 430 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 452 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। टेक्निकली तो वैसे भी वीक है, लगातार इस काउंटर में गिरावट देखने मिल रही है, साथ साथ एक खबर भी आई है कि USFDA ने प्री इंस्पेक्शन पूरा किया है इस कंपनी के एक यूनिट का, और 24 से 28 अक्टूबर के बीच में इंस्पेक्शन किया गया था और फॉर्म 483 जो है वो जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए दिक्कतें वैसे भी थी,
और दिक्कतें मेरे ख्याल से आज भी जारी रहेंगी। तो इसके लिए खबरों के बेसिस पे खासकर अगर आप देखेंगे तो लॉरस लैब में आप बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ, साथ ही साथ टेक्निकल्स वैसे ही वीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। कमजोर स्टॉक है, खराब खबर है, बिकवाली हो सकती है। आशीष आपके तरफ से, अच्छा आपने ऑटो स्टॉक बताया, कोई टायर है? आशीष का लॉजिक साफ है, एक कार में पांच टायर बिकेंगे। अच्छा, बाइक बिकेगी तो दो बिकेंगे। एक टायर स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन है ना वो थोड़ा सा भारी भरकम है। इसके लिए चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वरुण आप भी बताना आपको कैसा लग रहा है। एमआरएफ इसका स्टॉक का चार्ट आप देखें और लंबी अवधि का जो चार्ट है आपकी स्क्रीन पर फिलहाल हम फ्लैश करेंगे, फिर बताइएगा वरुण की आपको कौन सा लग रहा है। अच्छा, अपोलो टायर्स में भी ब्रेकआउट है, ठीक ठाक लग रहा है अपोलो टायर्स भी, लेकिन एमआरएफ जिस गति से आगे बढ़ता जा रहा है, देखिए एक ही दिन में 2000 रुपए बढ़ गया, क्या बात है, 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। स्ट्रक्चर देखो कितना शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द अब एमआरएफ जो है हम फ्लैश करेंगे कि 1 लाख रुपए के पार हो गए। अरे बस आपके मुंह में घी शक्कर, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं 1 लाख का कब होगा एमआरएफ। हो सकता है कि दिसंबर के पहले हो जाएगा। समय कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उस तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर आप देखें जिस प्रकार के हाई राइज के फॉर्मेशन, अच्छा अभी थोड़े दिन पहले इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, लेकिन अब फिर से अपने अपवर्ड ट्रेंड को इसने रिज्यूम कर दिया है। अब यहाँ से देखिए 1 लाख रुपए में कितना समय लग रहा है, 5% 10% बढ़ गया तो 1 लाख रुपए तो पहुंच गया वैसे। चलिए ठीक है, देखते हैं 1 लाख रुपए के ऊपर नजर होगी। लेकिन आशीष फिर टेक्निकल स्टॉक, टेक्निकल पिक जो है मेरी तरफ से वो है क्यूमिंस इंडिया, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए इस शो के दौरान काफी बार हमने चर्चा की है, साथ में डिस्कशन किया कि जब भी आपको कोई भी स्टॉक डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दे तो स्टॉक को छोड़िएगा मत, एक तरफा तेजी स्टॉक में फिर देखने को मिलती है। और इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देखने को मिली है, करीब करीब 3 से 3.5% के गेंज के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, तो यहाँ पर फोकस पूरी तरीके से बना हुआ है। और मैं मान रहा हूँ कि तेजी अभी भी देखने को मिलेगी, 1331 रुपये का लक्ष्य है, 1260 रुपये का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से वरुण आपके लिए फेवरेट मेरी तरफ से एक अच्छा उपहार कोल इंडिया, 150 रुपये से हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि 245 आईपीओ प्राइस मैंने ला दिया है, अब यहाँ पर और तेजी देखने को मिलेगी। 270 ये ऐसा थोड़ा सा हर्डल लग रहा है मुझे कि 270 के आसपास हो सकता है कि आगे जाकर रुके, लेकिन आईपीओ प्राइस के ऊपर निकल चुका है, ब्रेकआउट हो गया है, और सबसे बढ़िया बात है कि अब पूरी तरीके से री रेटिंग के लिए भी तैयार हो रहा है। जो कोल गैसिफिकेशन के प्लान्स हैं अपने अपने आप में बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो 270 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 230, नहीं तो शानदार 7% की डिविडेंड यील्ड तो अभी भी मिल रही है। चलिए तो जिसने कोल इंडिया के आईपीओ में पैसा लगाया था वो ब्रेक इवन हो चुका है, अब शायद मुनाफा भी उनको मिल सकता है अगर 270 का लक्ष्य देखने मिले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे तरफ से एक फंडा पिक है और वो है मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 450 के लक्ष्य के लिए, 420 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। कुछ ही दिनों में इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और नतीजे आने के पहले सिटी ने इनिशिएट कर दिया है कवरेज इस काउंटर पे और 490 के लक्ष्य दे रहे हैं, और नतीजे आने के पहले कहीं ना कहीं अगर किसी ने इनिशिएट किया है तो अपने आप में बड़ी बात होती है। इसके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, 450 के आसपास के इंट्राडे में लक्ष्य देखने मिलेंगे, 420 का आप रखिएगा स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी निवेश की कैटेगरी है और निवेश करना है एक ऑटो एंसलरी में और वो है मिंडा कॉप में, यहाँ पे आपको 4 से 6 महीने में 250 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, फिलहाल 190 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। देखिए ऑटो इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि किस तरह से OEMs में अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने मिल रही है, हीरो मोटर जैसे कि आशीष ने बताया कि 20% के आसपास जो फेस्टिवल सेल्स है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली, मारुति के आपने नतीजे देखे कितने बेहतरीन आए, तो तमाम ऑटो कंपनियों के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं, लेकिन ऑटो एंसलरी पे अब कहीं ना कहीं अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, और यहाँ पे तमाम ऑटो एंसलरी काउंटर्स जो है उन पे आप नजर रखेगा। लेकिन मिंडा कॉप अगर आप देखेंगे तो 284 के आसपास का 52 वीक हाई था, वहाँ से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि यहाँ से आपको अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पे देखने मिलेगा, इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के तो 325 के आसपास के भी टारगेट है। तो ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ, ईवी में ये कंपनी काफ़ी बड़ा काम कर रही है तो उसका फायदा मिलेगा, फंडामेंटल्स तो बेहतर है और वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर है जिस तरह से काउंटर गिरा है ऊपर से, कहीं ना कहीं ऑटो एंसलरी स्पेस पे आप नजर रखेगा, यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है। और मिंडा कॉप ये मेरा एक फेवरेट पिक है जहाँ पे आप पैसे लगा सकते हैं, बहुत जल्द आपको 250 रुपये के आसपास के लेवल जो है वो मिंडा कॉप दिखा सकता है। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है अरविंद फैशंस, टेक्निकल तौर पर मैंने स्टॉक को चुना है क्योंकि वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसके ऊपर ब्रेकआउट की पूरी तैयारी होगी, 12 महीने यानी करीब करीब 1 साल का समय दीजिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इससे पहले लक्ष्य हासिल होते नजर आएंगे, 20% तक की तेजी यहाँ पर दिख रही है, 440 रुपये का लक्ष्य है, वीकली चार्ट बहुत शानदार है, अरविंद फैशंस करेंगे खरीदारी और एक बार वीकली चार्ट भी आप जरूर देखिएगा।
लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर एक स्टॉक चुना जो शायद मैंने कभी अपनी लिस्ट में नहीं किया, आपकी भी लिस्ट में नहीं रहा है, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर अगर आप देखें तो आईटी कंपनी है, तिमाही दर तिमाही नतीजे बहुत ही स्थिर देखने को मिले, लेकिन नतीजों से अच्छा मुझे लगा कि इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया, यानी करीब करीब 3-3.5% के आसपास की यील्ड निकल कर आ रही है। तो इसको मिस नहीं करना है, और मैं मान रहा हूँ कि इसका रिएक्शन आज आपको देखने को मिलेगा डिविडेंड का भी और स्थिर नतीजों का भी। टेक्निकल भी सपोर्टिव है, 540 रुपये का लक्ष्य, 515 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, तो मेरे तरफ से आशीष, जो खबरों के दम पे स्टॉक है ना वो अक्सर आपके टीम में रहा है और वो है त्रिवेणी टर्बाइन। यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, करीब करीब 305 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 284 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबर इस कंपनी के लिए ये आई है कि 2 नवंबर को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे नतीजों के साथ साथ बायबैक पे कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये खबर काफ़ी है स्टॉक में तेजी फ्यूल करने के लिए, 305 के आसपास के आपको लेवल देखने मिल सकते हैं, 284 का आपको एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो चलिए, खबरों के दम तक तो हमने आपको बता दिया, आखिरी कैटेगरी जो है माय चॉइस की है। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माय चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में, देखिए आप फार्मा पे ऊपर बहुत ज्यादा बेरिश है, बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं शोरू की थोड़े दिन पहले आपकी भी लिस्ट में रहा है ब्रेकआउट के चलते, FDC, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, 308-309 की क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि अगर आज यहाँ पे जो अवेटेड ब्रेकआउट है वो हो गया तो 320 रुपये तक ये स्टॉक जाएगा, 300 रुपये यानी 8-9 रुपये नीचे आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अगला स्टॉक है यहाँ पर भी देखिए कंसेंसस बाय, सबको ये स्टॉक बहुत पसंद आता है, वो है एस यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। यहाँ पर आपको खास फोकस करना चाहिए, टेक्निकल्स बहुत मजबूत है और कंपनी का कारोबार भी देखिए बहुत बढ़िया, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाएंगे तो आपको एस के जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है वो आपको नजर आएंगे। 320 रुपये का लक्ष्य है, 280 रुपये का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में रेमंड, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार लग रहा है, अच्छा स्ट्रक्चर है, लगातार हायर हाइज के फॉर्मेशन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींच के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो 1160 की क्लोजिंग है, 1140 का लगाइए स्टॉप लॉस, और 1200 के पार जाने के लिए तैयार है रेमंड, यहाँ पर भी आप करेंगे खरीदारी। चलिए माय चॉइस में मेरे तरफ से 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC 71 के लक्ष्य की खरीदारी करना है, 67 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो हमारे अनुमान से थोड़े बहुत बेहतर ही है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो करीब 10,800 करोड़ के आसपास की जो सब्सिडी मिली है इस कंपनी को, उसके चलते थोड़े नतीजे बेहतर है, लेकिन अगर उसको हटा भी देंगे तो भी नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर है, नुकसान जो है वो हमारे अनुमान से थोड़ा कम हुआ है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 डिग्री लो के आसपास काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है, इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक शायद आपको IOC में देखने मिल सकता है, इसके लिए खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। अगला है मदरसन सुमी वायरिंग, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 88 के लेवल के लिए, 82 के आसपास का आपको एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। इस कंपनी के आज नतीजे आने वाले हैं और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि ये कह रही थी कि नतीजे जो है इस कंपनी के काफ़ी हद तक बेहतर रह सकते हैं, इसके चलते नतीजों के पहले आज आप खरीदारी करके चलेगा, अच्छी खासी तेजी बन सकती है। और आखिरी में एक सेल आइडिया है और वो है ल्यूपिन में, फ्यूचर में आपको बिकवाली करना है, 680 के लेवल के लिए 710 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा, क्योंकि USFDA ने कंपनी की फैसिलिटी पर इंस्पेक्शन किया है, नागपुर यूनिट 2 जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर इंस्पेक्शन किया है, और फॉर्म 483 जो है जारी कर दिया गया है, 5 आपत्तियां जो है इस कंपनी को जारी की गई है। तो इसके चलते आज हो सकता है कि ल्यूपिन का काउंटर थोड़ा बहुत प्रेशर में रहे, यहाँ पे कीजिएगा बिकवाली। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में हिमाद्री स्पेशलिटी, 108 रुपये का लक्ष्य है, फ्यूचर्स में खरीदेंगे डॉक्टर रेड्डीज, अनुमान से बेहतर आए मार्जिन्स, और टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है कमिंस इंडिया, ऑप्शंस के माध्यम से खरीदेंगे हीरो मोटोकॉप, 2650 रुपये का कॉल ऑप्शन, फंडामेंटली बड़ा टर्न अराउंड हुआ है कोल इंडिया में, IPO प्राइस के पार निकला, 270 रुपये का लक्ष्य है, निवेश के लिहाज से खरीदेंगे अरविंद फैशन, यहाँ पर वीकली चार्ज का स्ट्रक्चर बढ़िया, बड़े ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। खबरों का असर देखने को मिलेगा, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज में 20 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है, FDC में आएगी तेजी, एस है तैयार बड़े ब्रेकआउट के लिए, और रेमंड में 1200 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है एस, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 320 रुपये के लक्ष्य के लिए। कैश में खरीदारी करना है आंध्र पेपर में, पुदुम जी पेपर के जो नतीजे आए उसके बाद पूरा पेपर सेक्टर जो है वो हरकत में रह सकता है, यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी 500 रुपये के लक्ष्य के लिए। फ्यूचर्स में बंधन बैंक में आपको बिकवाली करना है, नतीजों के बाद लोकेश हाउसेस की तरफ से प्राइस टारगेट कट आए हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ऑप्शंस में NTPC का 172.5 का पुट ऑप्शन खरीदना है, नतीजे कमजोर है और स्टॉक चल चुका है तो हो सकता है मुनाफा वसूली आपको देखने मिले। लॉरेंस लैब खराब खबरों के चलते और टेक्निकली वीक स्टॉक है, इसके लिए आपको करनी है बिकवाली। फंडामेंटली मैक्स हेल्थ अच्छा लगता है, इन्वेस्ट करके चलना है मिंडाकॉप में, अगले 4-6 महीनों में 250 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। खबरों के दम पे त्रिवेणी टर्बाइन आपको खरीदना है,
माय चॉइस में आईओसी और मदरसन सुमी वायरिंग में करनी है खरीदारी, लेकिन लुपिन में करनी है बिकवाली क्योंकि खराब खबरें आई है, उसके चलते 680 के लेवल आपको फ्यूचर्स में देखने मिलेंगे। लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है त्रिवेणी टर्बाइन, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 305 के लक्ष्य के लिए, क्योंकि कंपनी की बोर्ड की बैठक है 2 नवंबर को, जहाँ पे नतीजों के साथ साथ कंपनी बायबैक पे विचार करने वाली है। इस खबर का असर जो है आज आपको त्रिवेणी टर्बाइन में देखने मिल सकता है, इसके लिए करनी है खरीदारी। तो चलिए स्टॉक्स की सूची तो हमने आपको बता दिया है कि कहाँ खरीदारी करना है और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहाँ पे बिकवाली करना है, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद अगर आप देखेंगे तो जो मैजिकल फिगर है 18,000 का वो आज देखने मिल रहा है सिंगापुर निफ्टी में, तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी में भी आपको आज 18,000 का लेवल जो है वो पक्का देखने मिलेगा।